क्या आप जानते हैं कि सैमसंग ने अपना नया फ्लेक्सिबल डिस्प्ले लॉन्च करने की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और जय हिंद टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं आज कुछ टेक न्यूज के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग ने अपना नया फ्लेक्सिबल डिस्प्ले लॉन्च करने की तैयारी में है। तो देखते हैं कब तक आ रहा है नया फ्लेक्सिबल डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से, और साथ ही साथ एप्पल ने भी नया फ्लेक्सिबल डिस्प्ले लॉन्च करने की तैयारी में है। तो देखते हैं दोनों में आगे कौन जाता है, पहले कौन आता है। जियोनी की तरफ से खबर आ रही है कि जियोनी ने S9 अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि 15 नवंबर को लॉन्च होगा इंडिया में। आपको साइटों पर मिल जाएगी, ऑनलाइन साइटों पर मिल जाएगी। इसमें खासियत दे रहा है कि डुअल कैमरा दे रहा है, और आपको 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले भी दे रहा है। साथ ही साथ ऑक्टा कोर 1.8 GHz का प्रोसेसर दे रहा है, और उसके साथ साथ 4GB रैम, साथ में 4GB रैम दे रहा है, और 64GB का इनबिल्ट दे रहा है। तो देखते हैं और क्या आता है जियोनी की तरफ से। तो अगला न्यूज सैमसंग की तरफ से आ रहा है कि सैमसंग ने अपना एंड्रॉयड 7 लॉन्च करने वाला है। अब देखिए अब एंड्रॉयड 7 में सैमसंग क्या देता है क्या नहीं देता है, अब तो आने के बाद ही पता चलेगा कि सैमसंग अपना एंड्रॉयड 7 में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। और सोनी की तरफ से न्यूज आ रहा है कि सोनी ने साइबर शॉट RX100 Mark II, बड़ा लंबा नाम है इसका, कैमरा लॉन्च करने वाला है, वो भी 80,000 में। तो अब देखिए अब आने के बाद क्या होता है, DSLR है, देखते हैं क्या होता है कि कैसा कैमरा है इसका। तो अगली न्यूज आ रही है लेनवो की तरफ से, लेनवो ने अपना लॉन्च कर दिया है फैब टू $225 में। अब देखिए इंडियन करेंसी में 15,000 के समथिंग होता है, अमेजन पे आपको मिल जाएगा नॉर्मली। और देखते हैं 6.44 इंच का डिस्प्ले दे रहा है, इसमें आपका फिंगरप्रिंट दे रहा है, ड्यूअल कैमरा दे रहा है, मेटल बॉडी है, डॉल्बी साउंड है, और 360 साउंड रिकॉर्डर है। तो अब देखिए क्या होता है लेनवो फैब टू, अब आगे आएगा तो पता चलेगा। मीडियाटेक का साथ में प्रोसेसर दे रहा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 3GB रैम है। बेसिकली बात यह है कि 4050mAh की बैटरी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मी की तरफ से खबर आई है, मी के ऑफिशियल वेबसाइट से आई है कि मी और मी मैक्स नोट का आउट ऑफ सेल हो गया, मात्र 1 मिनट में पूरा स्टॉक खत्म हो गया मी मैक्स का। तो ये तो मी के साथ हमेशा होता ही रहता है, आता है आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। अगली खबर आ रही है नासा की तरफ से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्स जो है बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है, अब आप देख ही सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।